और हस्बैंड का एकदम चोर वाला। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ वापस। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और मैं अभी ना बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इतना ज़्यादा फ्री है, तो क्योंकि भैया बच्चे गए स्कूल, और बच्चे जब तक मतलब घर में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है काम ही नहीं हो रहा है। मतलब वही वही काम बार बार बच्चे मतलब रिपीट कराते हैं, परेशान करते हैं, बोलने में चिल्लाने में ना आधा समय उसी में चले जाता है। तो बच्चे जैसे ही स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, तो मैं आके बाकी काम फटाफट मतलब मुश्किल से आधे घंटे में कर लेती हूँ। और बच्चे रहते हैं तो उन लोग का कुछ किसी का टिफिन गुम गया है, किसी के बॉटल गुम गया है, किसी की टाई नहीं मिल रही है, किसी के बेल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब ये मेरे साथ ही नहीं, हर माँ के साथ होता होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तो हंसी आती है, कभी कभी तो रोना भी जाता है। जब एन मोमेंट पे किसी का कुछ नहीं मिलता ना, तो बहुत गुस्सा आता सच्ची। तो इसलिए अब मैं थोड़ा फ्री थी, मैंने दो रोटी और सब्जी खाई। मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी तो वो खाई। मैं बोली चल थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, तभी ना काम में मन लग गया। और ये देखिए ये वाला ब्लाउज मैं स्टिच कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस इसका देखो ये फ्रंट साइज का है एंड ये बैक साइड का, दोनों रेडी करी हूँ मैं। बस इसको अभी ज्वाइंट करूँगी, शोल्डर और हैंड्स अटैच करूँगी। तो वैसे चलो आप लोग से थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। और सच्ची बता दो फ्रेंड्स ना, कि मैं सोच रही थी ना कि चोकोस खाऊंगी। चोकोस खाने का मन था, मतलब कभी कभी मन हो जाता, लेकिन मैं वैसे खाती नहीं हूँ। बच्चे बच्चे मेरे सुबह ही खा लेते हैं, तो फिर मैंने नहीं खाई। सब्जी रोटी वही खाई और एक मिठाई खाई, वो सोन पापड़ी वाली मिठाई। किस किस को पसंद है तो सोन पापड़ी वाली मिठाई अच्छी लगती है ना, सबको पसंद आती है। फ्रेंड्स ये है दाल, इसमें तो आपने देखा ही रोटी और पकौड़ा है। इसमें है चावल, इसमें चावल था, और इसमें है सब्जी, पत्ता गोभी, आलू और चना डाला था मैंने। तो सर चल रही फ्रेंड्स, सबको ना रख देती हूँ वापस, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने कि ये देखो इतने सारे हैं, तो चलिए मैं इसको, और ये देखो कांच फूट गया मुझसे, आज दूसरा लाऊंगी। अगली बार बड़ा लाए थे वो भी मैंने तोड़ दिया, इस बार छोटा लाई फिर तोड़ दिया। देखो इस बार कैसा लाती हूँ मैं। और ये खाना नहीं खाया है ना, तो आज पक्का झगड़ा हो जाना है मेरा और हस्बैंड का, एकदम चोर वाला। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ वापस। चलिए फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ खाना। ये देखिए चावल जैसा टिफिन में था ना, मैंने चावल निकाल लिया, ये दाल, और ये है सब्जी। तो चावल बहुत ज़रा सा ही दी थी, आप लोग देख लीजिए, ये देखो थोड़ा सा। तो मैं खा लेती हूँ, और सब्जी मैंने थोड़ा लिया क्योंकि ना सब्जी खाने का मन नहीं था। अचार मैं नहीं खाऊंगी, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, ये लीजिए आप सबके लिए। फाइनली फ्रेंड्स मेरा खाना वगैरह बन गया, और आज मैंने बनाया है खाने में तो फ्राई राइस किया है, मतलब तो जीरा राइस, उसमें मटर वगैरह डाल के, और बोलते हैं ना उसकी परवल की सब्जी है, रोटी है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी थोड़ा सा मार्केट गई थी, थोड़ा पानी भी लेना था, ख़त्म हो गया था वो पानी भी, नीचे ही है, इनके पापा नहीं ले आए हैं, वो कहीं बात कर रहे किसी से। और 100 का कुछ चाहिए था, स्टिकर टाइप का था ना, पौधे बीज फ्रूट्स वगैरह का, तो यहाँ नहीं मिल रहा था। मतलब मिल जाता है वैसे आसानी से, मैं आपको भी उनकी कॉपी में दिखा दे रही हूँ, वो बनाए हैं। तो 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, अपना कॉपी ले आओ सर, तो नहीं मिल रहा था। तो मैं बोली चलो चल रहे हैं मार्केट, वहीं से ले लेंगे। तो बस ये देखो गाड़ी बनाई है, ट्रैफिक सिग्नल वाला, ये देखो, नीचे देखो गाड़ी है कितनी। और शोर यही वाला चाहिए था, स्टिकर इस टाइप का, वैसे मिल जाता है यहाँ पे, बहुत सारी बुक की दुकान है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना मतलब ख़त्म हो रखी है, तो नहीं मिल रही थी। मैं बोली ये ज़रूरी है, ये देखो हाँ गार्गी बनाई, देखो इसी टाइप का लोगों ना स्टिकर लगता है, देखो इसमें लगाए हैं, और ये ड्राइंग वगैरह है तो खुद से किए हैं। तो यही सब चाहिए था। तो क्या हुआ ना कि काफ़ी टाइम से मतलब परेशान थे, 2-3 दिन से बार बार जा रहे थे दुकान पे, मिल नहीं रहा था। ये वाला देखो क्लाउड वाला बनाए हैं, ये तो खुद से ड्राइंग किए हैं और फिर उस पर चिपकाए हैं। तो यही सब था फ्रेंड्स, तो मैं चलो बाहर से ही दिलाती, क्योंकि पढ़ाई में लेट होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो
तो वहीं से लेके आए, और लेना था इनके पापा को पैंट क्योंकि ना बारिश का मौसम है और वो नए पैंट निकाल नहीं रहे हैं। तो मैं बोली चलो थोड़ा सा डेली वेयर वाले ना थोड़े हल्के हल्के से ले लो दो ठो। तो लेकिन 10:30-11 बज गए थे ना, तो शॉप बंद हो रही थी। तो मैं बोली जल्दी में फिर ना समझ में नहीं आता है क्या लेना है क्या नहीं है, और इसी चक्कर में मेरा हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं बोली चलो कोई और दिन ही आएँगे आराम से। तो ये पेन वगैरह पेंसिल लेके आई, और ये लेके आई हैं लिपस्टिक वाली इरेजर। जितना कुछ देखेंगे ना मोबाइल में टीवी में तो वो सारा चीज़ खरीद के ले आती हैं। अब जाएंगी स्कूल में तो मार खाएंगी, समझ आए देखिए। और मैं सोच रही हूँ सच में लिपस्टिक है, देखिए ये इरेजर है लगा लो, ये देखती हैं तो ले आती हैं ऐसे ही लो, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको भी दिखाती हूँ खाने में मैं क्या बनाई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने, देखो परवल से बैक कैमरे से दिखा। ये है मेरी परवल की सब्जी, और ये देखिए मैंने ये राइस बनाया था, थोड़ा सा लौंग वगैरह डाल के मटर वगैरह, तो इसमें सब्जी बनाई थी ना इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। ये है रोटी,